dear students, welcome back to the GDC Live. So dear students, last 20 days, माफ कीजिएगा, अब तो वो भी नहीं बचे. GPAC 2023 आपके बहुत नजदीक आ चुका है और ये वो टाइम है जहां पे आपको अपने प्रिपरेशन को फाइनल टचअप देने की जरूरत है. और उसके लेके मेरे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं. सर ये छूटा है, वो पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, भूल रहे हैं, रिकॉल नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी टेंशन. जरा कंफर्म करिएगा क्या आपको भी ये सारी चीजें फील हो रही हैं क्या? बिल्कुल. और अगर आप लोग भी इसी सिचुएशन में हैं, मैं आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेकिन कुछ चीजें आपको सिंप्लीफाई जरूर करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा उनको समझने की कोशिश करिएगा. लाइक अभी देखो जिस सिचुएशन में हम लोग खड़े हैं ना, वहां पे क्या है ना, मेरा गोल डिसाइडेड है, ये तो पक्का है ना कि हाँ जीपैक एग्जाम देना है और क्वालिफाई करना है. अब अगर मेरा गोल डिसाइडेड है और उसके लिए मैंने बहुत कुछ पढ़ा भी होगा अभी तक और कुछ छूटा भी होगा, तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कि जो छूटा हुआ है उसको तो बात ही मत करो, उसको तो भूल ही जाओ कि आपका ऐसा कोई टॉपिक भी आपके सिलेबस में आने वाला है. आपके पास जितना रिमेनिंग टाइम है इसमें केवल उन चीजों के बारे में सोचना है कि जो मैंने पढ़ा है मुझे उन्हीं को फिर से रिवाइज करना है. तो सबसे पहले जरूरी क्या है, जो आपने पढ़ा है उसको 100% दीजिए, कम हो पर बेहतर हो, अब उस फोकस करना है. आप जो भी छोड़ चुके हो या जो भी अभी तक नहीं टचअप किया था, अब उसको नया कुछ मत करना. सर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं और मॉक टेस्ट में देख रहा हूं कि ये वाला सिलेबस मेरा छूटा है ये टॉपिक और उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या मैं वो टॉपिक तैयार करूं? बिल्कुल ऐसी गलती अब मत करिएगा. इसलिए जो छूट गया है उसको छोड़ दीजिए. ज्यादा से ज्यादा आज की जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, एक सेकेंड, आपका पेपर कैसे होने वाला है? सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. तो अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो सेम इन्वायरमेंट को फील करने की जरूरत है, कहां पे मुझे टिक करना है, कहां मुझे अनटिक करना है, कहां फ्लैग का ऑप्शन आता है, कहां अनफ्लैग का ऑप्शन आता है, जरा वो सारी चीजें एक बार फैमिलियर हो जाए. और उसी फैमिलियर को बनने के लिए जरा थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाए. और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना, सबसे पहले मुझे पसंद बहुत है नींद आना, मुझे पसंद बहुत है सोना, लेकिन क्या करें, अगर मेरा ड्रीम है, मेरा गोल है, मैंने प्लान किया है, मैंने सोचा है कि करके दिखाना है, तो उसके लिए मुझे अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा ना बाहर आना पड़ेगा. जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए. और जीडीसी इसी के लिए आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो अराउंड 5000 स्टूडेंट्स लगातार इस ऐप में टेस्ट दे रहे हैं जीपैट के, तो आप क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट कंप्लीट करिए और उन मॉक टेस्ट से अपनी गलतियों को भी एनालाइज करिए, मतलब एक हैबिट बना दीजिए. और हां आपसे एक चीज जरूर आगे फेवर चाहूंगा कि कोशिश करिए आगे चल के कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो मेरे मॉक टेस्ट है उनको मैं उसी टाइम पे दूं जो मेरे टाइम है जीपैट के. वो भी आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन अभी फैमिलियर होइए टेस्ट से ज्यादा. और अब कोशिश क्या करिएगा कि जो भी आप रिवीजन करने जाओगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है. रिवीजन करने में क्या होता है ना, हम सोचते हैं हमने रीड कर लिया और हमारी प्रिपरेशन रिवीजन हो गया. नहीं, प्लीज, रिवीजन का मतलब ही नाम क्या है, रिविजन. हमें देखना है लेकिन पढ़ना नहीं है. देखना अच्छा ये होता है और माइंड में एक्टिव रिकॉल करना है. ओके, मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था ये. ओके, मुझे इसमें कौन कौन सी, सपोज मैंने पढ़ा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, वहां पे मुझे क्या क्या याद आए थे. बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में डिफरेंट क्लासेस हैं. मैंने पेनिसिलिन पढ़ा था, उसमें लिपिड्स हमने पढ़ा था, वो एसिड लेवाइल, या हमने वहां पढ़ा था बीटा लैक्टमेज लेवाइल, कौन कौन सी ड्रग है, समथिंग लाइक दिस दिमाग में चलना चाहिए. अगर आपने फिर से बुक ही पढ़ा, फिर से आपने रीड ही किया, तो वो रिविजन का है भाई. और फिर आप कहते हो सर दिमाग में है कि नहीं है, हम भूल जाते हैं, तो रिकॉल करने का प्रिंसिपल सोचो, एक्टिव रिकॉल, बुक से नहीं, बुक में कहां क्या था, क्या पढ़ा था, उसको दिमाग में लाने की कोशिश करिए.
ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल्स पे, हमेशा कॉन्सेप्ट पे भरोसा करिएगा, पीपल्स पे नहीं। कोई कितना भी कहे ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई कितना भी कहे नहीं ये चीज इस तरह से फॉलो कर लिया जाए, नहीं। आज की डेट पे आपको प्रिंसिपल्स पे चलना है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट मेरा कितना तैयार है। थोड़ा इसको मैं इलेबोरेट भी करना चाहूंगा, थोड़ी सी मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। अभी इस समय आप लोग की सिचुएशन क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी इस समय एग्जाम फियर में है। क्यों सर? सेशनल है, सेमेस्टर है, ये इस टाइम पे जीपैट आ चुका है सर, कॉलेज भी जाना है, ये भी अटेंडेंस मेंटेन करना है, जीपैट भी है। अब जीपैट में इतनी सारी चीजें हैं सर, टेस्ट दे रहे हैं तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मार्क्स अगर आ भी रहे हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा है, सिली मिस्टेक्स हो रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आप भी इस कैटेगरी में हो या नहीं, तो अभी आपको क्या करना है, कुछ मत करिए, ज्यादा से ज्यादा सिंपल एक चीज सुनिएगा, जीपैट सिर्फ एक एग्जाम है, सिर्फ एक टेस्ट है, आपके लाइफ से बढ़ के नहीं है। तो सबसे पहले हेल्दी लाइफ जीने का, हेल्दी डाइट लेने का और टेंशन मुक्त रहने का, ये तीन चीजें सबसे पहले। लेकिन टेंशन से दूर रहने का, लेकिन पढ़ाई से दूर रहने, अब पढ़ाई करना है बट प्रेशर नहीं लेना। मार्क्स कम आए इस टेस्ट में कोई बात नहीं, गलती कहां है मुझे फाइंड आउट करो और उन गलतियों को मुझे अगली बार मुझे सही करना है। प्रेशर के बिना, प्रेशर नहीं लेना है, रिजल्ट का प्रेशर, क्या होगा जीपैट में, मेरा क्वालिफाई होगा नहीं होगा, क्या मार्क्स आएगा, रैंक क्या आएगी, अगर पढ़ा है तो सब अच्छा होगा और अगर मेहनत किया है तो रैंक भी अच्छी आएगी। सो फेलियर से लेके फैमिली प्रेशर को लेके, कॉलेज प्रेशर लेके, फ्रेंड प्रेशर लेके कि ये क्या बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, ना, प्रेशर लेने से ना सिर्फ और सिर्फ आपका कंसंट्रेशन डाउन होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं, मुझे सिंपल चाहिए, फोकस ऑन द प्रिपरेशन चाहिए, मुझे लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट ऑन द टॉपिक चाहिए। अरे ये टॉपिक मैंने पढ़ा था यार, चलो एक बार इसको फिर से रिकॉल करता हूं और 100% अपना इसमें दूंगा, मींस इंटरेस्ट लीजिए। लास्ट टाइम में प्रेशर नहीं, स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होती है। मैं हर साल एक चीज देखता हूं, जो स्टूडेंट जितना मस्तमौला होके लास्ट टाइम का रिवीजन करता है, मस्तमौला होने का मतलब ये नहीं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, प्रेशर ना लेने का मतलब ये है कि हाँ पढ़ना है, रिवीजन करना है, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, क्या होगा कुछ नहीं। प्रिपरेशन कर रहे हो, मस्ती के साथ करिए, रिवीजन करिए ज्यादा से ज्यादा, हर टॉपिक पर फोकस करिए, अपनी मिस्टेक्स को सुधारिए हर टेस्ट में। एक बार क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस जरूर करिए, ये बहुत काम की चीज है। आपको, आप लोग डरते हो ना सर, PQRS इतने ज्यादा आएंगे, assertion reason आएंगे, statement based आएंगे, तो सर हमारा कैसे सॉल्व होगा। लास्ट ईयर का जरा एक क्वेश्चन एनालिसिस देखिएगा, सारे सब्जेक्ट वाइज टोटल 125 क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं आपसे बात करता हूं डायरेक्ट लाइन टू लाइन, लास्ट ईयर की अगर आप सिंपली बात करोगे, फार्मास्यूटिक्स से वन लाइनर 32, फार्माकोलॉजी से 20, फार्माकोग्नोसी से 8, केमिस्ट्री से 27 और माइनर से, मींस 88 सब्जेक्ट्स आपके वन लाइनर थे। हां मैंने माना स्टेटमेंट 5 क्वेश्चंस है, मैच ऑफ द फॉलोइंग 12 है, PQRS 15 है और assertion reason 3 है, लेकिन ये बहुत कम है, ये आपके लिए उतना ज्यादा नहीं है जितना अगर आप बात करोगे जहां टारगेट आपका है। वन लाइनर है मतलब अगर आप नॉर्मली, मैं बात करता हूं 125 क्वेश्चंस की बात ही मत करिएगा, ट्राई करिए 105-110 मैक्सिमम, इससे ज्यादा कि आपके क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा कि हाँ जिनके बारे में नहीं सुना उनकी बात ही नहीं है। हर मॉक टेस्ट में याद रख डालिए, नहीं पढ़ा नहीं सुना छोड़ दूंगा, क्योंकि आपका फाइट 110 क्वेश्चन का नहीं है, आपका फाइट जस्ट 60-70 क्वेश्चन में टॉपर की बात कर रहा हूं। अगर लास्ट टाइम की आप बात करोगे तो लगभग अगर 85 क्वेश्चन जिसने क्लियर किया था वो टॉपर था, तो अगर आपने 105-110 का टारगेट रखा और अगर माइनस मार्किंग के बाद भी आप 80 क्वेश्चन एवरेज सही कर रहे हो ना, 70 क्वेश्चन भी आप सही कर रहे हो, इवन चलो मैं मान के चलता हूं 60 प्लस भी अगर आप सही कर रहे हो तो क्वालिफाई तो हो। रैंक के लिए थोड़ी आपको अलग से स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन क्वालिफाई में कोई डाउट नहीं है। तो 50-60 क्वेश्चन बस टारगेट रखिए कि इतना मुझे सही करके आना है, 50-60 क्वेश्चन सही किया कोई दिक्कत नहीं। अब एक ज्यादा नहीं, प्रिपरेशन को थोड़ा सा डिवाइड कर दो, प्रिपरेशन को ना कंटिन्यूअसली नहीं, लगातार बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, वो सिर्फ बैठे हो, उससे पढ़ाई नहीं हो रही है, समझना।
कोशिश करिएगा अपने प्रिपरेशन प्लान को ना अलग अलग स्लॉट्स में डिवाइड करिए। एक स्लॉट्स आपका वो रहेगा जहां पे आपको वो टॉपिक्स पढ़ना है जो आपके लिए थोड़ा टफ थे, एक स्लॉट्स वो रहेगा जहां पे आपको वो टॉपिक जल्दी फास्ट कंप्लीट करना है जो आपने अच्छे से पढ़ा था, एक टॉपिक वो आपका होगा जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा चार स्लॉट्स में, टाइम आपका होगा, ये मैं किसी को नहीं कह सकता कि आप मॉर्निंग में पढ़ो इवनिंग में पढ़ो, क्योंकि सबका डेली लाइफ रूटीन अलग अलग होता है, लेकिन स्लॉट्स आपको रखना है। फर्स्ट स्लॉट अगर आप वो करिएगा जहां पे आपको कंसंट्रेट स्टडी करना है, अगर आपको लगता है कि मॉर्निंग में आप सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होते हो या इवनिंग नाइट में सबसे ज्यादा होते हो, तो जिस टाइम पे आपका सबसे ज्यादा मन लगता है पढ़ाई में, वो टाइम चुनिएगा कि हाँ इस टाइम पे मुझे वो टॉपिक्स पढ़ना है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां पे मुझे ज्यादा मिस्टेक्स देखने को मिल रही है। सेकंड स्लॉट्स में केवल और केवल रिवीजन का टॉपिक्स रखना है कि नहीं मुझे फटाफट और फास्ट रिवीजन वाले टॉपिक्स को रखना है। थर्ड स्लॉट्स की बात करूंगा जहां पे मुझे टेस्ट और उसके एक्सप्लेनेशन को, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी, पर डे दो मॉक टेस्ट की आदत डाल दीजिए, दो मॉक टेस्ट देना ही देना है। और जो भी आपने पढ़ा है, जहां से पढ़ा है, लाइव क्लासेस से पढ़ा है, रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ा है, नोट से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, वो समराइज जो आपके पास कंटेंट है उनको यूज करें, या अगर क्लासेस कर रहे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, उनको ज्यादा से ज्यादा रीवॉच करने की कोशिश करें। और यही मतलब पर डे 12 hours डिवाइड करो, 12 आवर्स मिनिमम मींस 3 to 4 hours का आपका एक स्लॉट होना चाहिए कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, और 3 घंटे वो क्या पढ़ना है वो सब्जेक्ट्स आप अपने कल का डिसीजन आज लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक प्लान करिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्लान करना है। टेंशन लेने से कभी कुछ नहीं होता है, चिंता और चिता कहती है मुझमें कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना ही है कि अगर थोड़ा सा तुम ज्यादा चिंतित हो गए तो चिता वहां पे सज जाती है। तो चिंतित नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, मस्ती के साथ पढ़ना है, एक एंजॉयमेंट के साथ विद द इंटरेस्ट पढ़ना है और सारी चीजें होनी है। सिर्फ जीपैट आपको एक एग्जाम नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हाँ मुझे इसके लिए मैंने टारगेट किया है, मेरा गोल है और मुझे करके दिखाना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो गया सो गया, जितना छूटा उतना अच्छा। आप आज के डेट पे अगर कुछ भी नया करने जा रहे हो ना, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ना, मीन्स मान के चलो आप अपना नुकसान करने जा रहे हो। नया कोई भी इंफॉर्मेशन दे, कोई कहे मैं तुम्हें समझा देता हूं, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है, मैं एक बार बताऊंगा समझ में आ जाएगा, बोलो दे थैंक यू सो मच, मुझे कुछ भी नई चीजों के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना मेरे पास है उतना ही पहले मैं रिवाइज कर लूं। मीन्स एक सिंपल कहानी है ना, एक ही चीज को एक बुक से 4 बार पढ़ डालिए, ना कि 4 बुक से अलग अलग अगर हम पढ़ने की कोशिश करें। तो सिंपली कलेक्ट लेस थिंग एंड स्टडी 3 to 4 times। आपने कलेक्शन तो बहुत कुछ कर लिया पता चला, लेकिन पता चला रीड एक भी बार नहीं किया, तो ऐसे प्रिपरेशन का कोई भी मतलब सोचो कोई फायदा होने वाला है क्या? सो प्लीज इसलिए थोड़ा सा इन चीजों को अवॉइड जरूर कर लीजिएगा। नो न्यू स्टफ्स, जस्ट ओल्ड थिंग्स, व्हाट द रिवीजन रिक्वायर्ड, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ा केवल उनको एक बार लास्ट फाइनल टचअप करो। अब रिवीजन प्लान यहां पे क्या बनाना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा सजेशन दे सकता हूं क्योंकि ये आपको पर्सनली ओन पे चलना है। केवल टारगेट करो मेजर सब्जेक्ट्स, अभी ज्यादा से ज्यादा जो भी आपने किया है, मींस 1 to 2 subjects पर डे का टारगेट रखो कि मुझे उनमें मेजर सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और थोरली उसको रीड आउट करना है। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं, मतलब टाइम प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी। फिक्स करो 2 घंटे में मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ये मान के चलना कि अगले सब्जेक्ट्स में आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा अगर जो आप टाइम इंक्रीज करोगे। और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा नोट्स कर, अब बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, अब बहुत ज्यादा आपको किसी डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, डाइजेस्टर, नोट्स, चार्ट, टेबल्स, जितनी चीजें आपने बनाई थी उन सबको निकालो और उनसे आज करने की कोशिश करो। कम हो पर अच्छा हो, इस चीज को दिमाग में जरूर एक बार बैठा लीजिएगा। हर सब्जेक्ट में ना, लाइक जैसे मैं फार्माकोलॉजी की बात करता हूं, फार्माकोलॉजी में एडवर्स ड्रग रिएक्शन और क्लासिफिकेशन 2 चीजें और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 3 चीजों को दिमाग में बैठाइए। कोग्नोसी की बात कर रहे हो तो वहां पे सोर्स की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, उनके एडल्ट्रेशन सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे, पूरा एक टेबल बनाइए। सुटिक्स की बात करोगे तो वहां पे आपको जितने भी आपके एजेंट है लाइक डिसइंटीग्रेंट, डिसोल्यूशन, या हम बात करें वहां पे कलरेंट, या अगर वहां पे हमारे जो भी फ्लेवरिंग एजेंट, जो भी एजेंट है उनको यूज करिए। HLV वैल्यूज की बात करिए, वहां पे अगर आपसे कोई भी एजेंट पूछा जा रहा है कि कौन से किस क्लास के एजेंट है, उनको थोड़ा सा मतलब जो भी समराइज्ड वे में जितना आपने पढ़ा है पहले, नोट्स बनाया है, लैकमैन या मार्टिन से बात करूंगा, उन सारी चीजों को एक बार फिर से निकालने की जरूरत है और यहाँ पे कंप्लीट करिए। फ्लो चार्ट डायग्राम ज्यादा से ज्यादा को यूज करिए, समराइज्ड करिए फ्रॉम द डाइजेस्टर लास्ट वे में। और हाँ,
अब सबसे लास्ट की अगर मैं बात करूंगा आपके लिए जीडीसी यहां पे क्या क्या करने जा रहा है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं। किक रिवीजन बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे ज्वाइन हो चुके होंगे और वो कर रहे होंगे, वो अपनी जगह है। जीडीसी क्लासेस ऐप पे वो जाओगे तो वहां पे आपको सारे रिवीजन वाइज 44 क्लासेस का आपको वहां पे शेड्यूल्स मिल जाएगा। सेकेंडरी अगर आप बात करते हो प्री जीपैट टेस्ट सीरीज जो आपको जीडीसी क्लासेस ऐप पे हर शाम 5 बजे हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मॉक टेस्ट चल रहे हैं और अल्टरनेट डेज हर दूसरे दिन आपको एक मॉक टेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये 125 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट और एज लाइक द जीपैट, जैसा जीपैट का पैटर्न है ना सेम वही, सिटिक्स से, केमिस्ट्री से, इकोलॉजी से, कॉग्नोसी से, माइनर सब्जेक्ट से, सारा क्वेश्चन वेटेज एनटीए के अकॉर्डिंग आपको यहां पे दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब वही क्वेश्चन वेटेज के अकॉर्डिंग आपका जो जीपैट 2023 का मैराथन क्लासेस है, आपका जो प्री जीपैट टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको हर रात 9 बजे यूट्यूब जीपैट डिस्कशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट सॉल्व करिए और उसी का डिस्कशन रात 9 बजे जीडीसी के प्लेटफॉर्म पे करिए। इससे क्या है आपके डाउट्स भी दूर हो रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और रिवीजन भी पूरे टॉपिक्स का एक ही समराइज्ड वे में कराया जाएगा। सो कोशिश करिए इन चीजों को फॉलो करने के लिए, और आपके जो भी टेंशन हो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, उसके लिए जो भी पॉसिबल स्ट्रेटजी होगी जरूर मैं आपसे बात करूंगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच।